आलू पराठा तो सबको पसंद आता है, पर उसे बनाना कई बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है, खास करके इसे बेलना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लिक्विड डो आलू पराठा की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मुलायम और स्वादिष्ट पराठे तैयार होते हैं। और अगर आप किचन में बिगिनर्स हैं तो आपके लिए यह एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इस तरह से बिना टेंशन लिए आप भी बिल्कुल परफेक्ट आलू का पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस आसान और स्वादिष्ट आलू के पराठे को बनाना शुरू करते हैं। बिना आटा गूंदे आलू का पराठा बनाने के लिए एक बोल में 1 कप आटा लेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, जिसका हम रोटी या चपाती बनाने के लिए यूज करते हैं। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। तो बैटर बनाते समय ध्यान रखें कि एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लें और उसके बाद पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सही कर लें। तो इस तरह से बिल्कुल लंप फ्री बैटर बन के तैयार होता है। तो इतना बैटर बनाने में मैंने छोटे ग्लास से 1 गिलास पानी का यूज किया है। और अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने दे देंगे। तब तक यहाँ मैंने मीडियम से थोड़े बड़े साइज के एक आलू को बॉईल करके लिया है और अब इसे हम फाइन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। आप चाहें तो इसे बिल्कुल फाइन मैश करके भी ले सकते हैं, पर ग्रेटर से ग्रेट करने से थोड़ा सा सेफ साइड में रहता है, जिससे कि इसमें कोई बड़े चंक्स नहीं रहें, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आलू मैंने ग्रेट कर लिया है और चलते हैं अब अपने बैटर की तरफ। तो बैटर भी रेस्ट कर चुका है और इसी तरह का स्मूथ बैटर तैयार करना है। अब हमने जो आलू ग्रेट किया था उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही एक मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक को बिल्कुल बारीक काटकर और 2 हरी मिर्च को भी बारीक काटकर डाल देंगे। पराठे को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1/2 छोटी चम्मच ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मसाले आप अपने स्पाइस लेवल के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपके पास पहले से बॉईल किया हुआ आलू है तो इस तरह से आप बस 10 मिनट में पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सही कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह की पोरिंग होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो चलिए अब इससे पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए एक पैन गर्म होने रख देंगे और उसमें हम इस तरह से सावधानी से बैटर पोर करके और उसे हल्का सा फैला देंगे। ध्यान रखें कि बहुत ही ज्यादा पतला या बहुत ही ज्यादा मोटा नहीं फैलाना है। और 1.5 से 2 मिनट एक साइड से पकने के बाद इसे हम पलट देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई पे रखा है और इसी तरह से दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए इसे हम नाइस और क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। इस तरह से बहुत ही जल्दी यह पराठा बनके तैयार हो जाता है। एक पराठा मैंने रेडी कर लिया है तो इसे हम प्लेट पर रख लेंगे और इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम बनने के लिए देंगे। फिर से सेम प्रोसेस, थोड़ा सा घी या ऑयल से पैन को ग्रीस करने के बाद इसमें हम बैटर डालकर और उसे हल्का सा फैला देंगे
और 2 से 3 मिनट एक तरफ से पकाने के बाद इसे हम पलट देंगे और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं। देखने से ही बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, खासकर उनके लिए जिन्हें पराठा बेलने में परेशानी होती है या फिर आटा बनाना नहीं आता है, उनके लिए यह एक फुल प्रूफ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो एक बार इस तरह से आलू का पराठा बनाकर जरूर देखें, सबों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।